नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। आज हम स्टेलमेट के बारे में जानकारी लेंगे। स्टेलमेट जब होता है तब होता है जब कोई भी प्लेयर को लीगल मूव या कानूनन मूव में चेस के जो नियम है उसके अनुसार मूव अगर कोई भी प्लेयर कर नहीं सकता है तो वो स्टेलमेट कहा जाता है। इसका एक फ़ायदा ऐसा होता है कि प्रतिस्पर्धी के बहुत सारे मोरे और अपने कम है तो प्लेयर कोशिश करता है कि स्टेलमेट हो जाए, और स्टेलमेट का गेम ड्रॉ कहा जाता है। तो ड्रॉ होता है, दोनों को हाफ हाफ पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे एक मैंने गेम दिखा है, यहाँ एक्चुअली सफ़ेद के पास क्वीन है, किंग है, और क्वीन और किंग से आराम से मात कर सकते हैं। उसके बारे में कई वीडियोस मैंने किए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे गलती से सफ़ेद खिलाड़ू अगर क्वीन F7 पे लाता है तो अभी काले की मूव है, और काला जो किंग है वो कहीं भी मूव नहीं कर सकता है। G8 पे नहीं जा, और उसको चेक भी नहीं है, और G7 पे नहीं जा सकता और H7 पे नहीं जा सकता। तो ये स्टेलमेट हो गया क्योंकि काला खिलाड़ू मूव ही नहीं कर सकता कोई। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, और हमेशा ऐसे एंड गेम होते हैं तो ये देखना चाहिए कि हर एक हम जो मूव करेंगे वो चेक ही वो तो अच्छा रहता है। अभी इसको राजा को चेक नहीं है और राजा मूव नहीं कर सकता, इसका मतलब खेल ही नहीं सकता है काला खिलाड़ू। तो इसमें के 12 गेम हम लोग देखेंगे कि जो प्रत्यक्ष गेम में स्टेलमेट हुआ है, किसने के लिए ऊपर है, पूरा गेम मेरे पास है। लेकिन मैं इस पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ, ये पोजीशन इनके गेम में आई थी और ये इन्होंने कैसे खेली। सफ़ेद के पास सिर्फ क्वीन और किंग है, उसके पास क्वीन है और बहुत सारे पॉन है, 5 पॉन है। तो सफ़ेद के लिए थोड़ा मुश्किल है कि गेम ये विन करना। तो इसने क्या किया, किंग D1, काले ने क्या किया, क्वीन C3 पे ले आया, कि उसने सोचा कि अगर ये क्वीन एक्सचेंज करते हैं सफ़ेद वाला ये मार देगा इस क्वीन को, समझो, तो इतने पॉन उसके पास है कि कई सारे पॉन प्रमोट होकर उसके क्वीन बन सकती है। ये विचार से उसने क्वीन यहाँ पे लाई। लेकिन इसने अभी क्या चाल के लिए देखे, ये G8 पे लेके आया क्वीन को, तो अभी राजा को तो क्वीन को मारना ही पड़ेगा क्योंकि चेक है और कहीं भी राजा नहीं जा सकता। उसने मार दिया तो ये स्टेलमेट हो गया। अभी सफ़ेद की चाल है और उसका किंग कहाँ पे भी नहीं जाता। हाँ, C2 C1 वजीर के कारण ब्लॉक है, D2 भी वजीर के कारण ब्लॉक है, E1 वजीर के कारण ब्लॉक है, और ये किंग E2 जो है वो पॉन से ब्लॉक है, पॉन का अटैक है यहाँ पे। तो ये स्टेलमेट हो गया। तो ऐसे दूसरा गेम देखेंगे, ये ऊपर नाम वगैरह लिखा है। इसमें दो जुडिथ कोलगर का गेम है, आनंद का गेम है, कारपोव का गेम है, वो भी देखेंगे आगे। ये पोजीशन आई थी और सफ़ेद के पास एक हाथी, 2 पॉन, 1 नाइट है, और इसके पास 2 रुक है। तो ये आगे ऐसा वो किंग क्रॉस H1 किया। अभी यहाँ पे एक चीज़ दिखती है काले को कि उसका किंग कहाँ पे मूव नहीं कर सकता है इसी पोजीशन में। अभी उसको लीगल मूव करने के लिए क्या है, सिर्फ काला हाथी है जो इधर उधर घूम सकता है, वो किसी कारण से अगर मर गया तो स्टेलमेट हो गया। हाँ, अभी उसका हाथी हिल सकता है, तो हाथी इसने ला के E1 पे चेक दिया, इसने किंग लिया H2 के ऊपर, फिर हाथी इसने H1 पे ला के चेक दिया, किंग अभी कहीं जा सके उसको मारना ही पड़ेगा, और वो किंग हाथी को मारता है तो अभी काला राजा किधर भी मूव नहीं कर सकता, काले के पास और कोई मोहरा भी नहीं हिलाने के लिए, तो स्टेलमेट हो गए है। हाँ, क्योंकि G8 जो स्क्वायर है वो इसने रोका है नाइट ने, बाकी के जो है H7 हाथी का भी अटैक है, नाइट का भी अटैक है, और G7 हाथी का अटैक है, तो कहीं जा नहीं सकता है।
हाँ, तो ये ध्यान में रखना कि कई बार जबरदस्ती ये पोजीशन में अपने प्रतिस्पर्धी को लाना है, क्योंकि हमारे पास समझो मोहरे कम है, पोजीशन अपनी खराब है, जबरदस्ती उसको लाना है, ये पोजीशन है, चेक है, तो किंग H1 पे गया, इसने रुक G2 पे लिया, ये रुक को थ्रेट किया है, लेकिन इसने रुक लिया H6 के ऊपर और मारने दिया। मतलब इसको अभी समझ में आया कि एक ही रुक उसका है जो मूव कर सकता है यहाँ वहाँ, तो उसको मार दिया अगर, तो ये किंग कहीं नहीं जाता, हाँ मतलब स्टेलमेट हो जाता है, इसने मार दिया। अभी ये जो किंग है वो H2 पे भी नहीं जा सकता है, G1 पे नहीं जा सकता, और इसको चेक भी नहीं है, मतलब सफ़ेद वाला कुछ कर ही नहीं सकता अभी, तो स्टेलमेट हो गया। अगला गेम है ये पोजीशन में, इसके थोड़ा पहले भी जाते हैं, इसने चेक दिया था, इसने क्वीन बीच में डाली, लेकिन ये क्वीन क्वीन नहीं मारी, इसने पॉन को मार दिया यहाँ पे, इसने रुक क्रॉस H3 किया, पॉन मार दिया सिर्फ। अभी राजा को आसान है कि रुक को मार दे, तो इसने रुक को मार दिया। एक क्वीन इसने E6 पे लाया, अभी क्वीन का और एक किंग का और सफ़ेद किंग और सफ़ेद क्वीन का फोर्क हो रहा है इस क्वीन से, दोनों पे ये अटैक कर रहे हैं, तो क्वीन को मारना ही पड़ेगा इस हालत में, कोई दूसरा कोई चारा ही नहीं है, तो इसने मार दिया। तो अभी काले का स्टेलमेट हो गया, मतलब काला खिलाड़ी यहाँ पे जा नहीं सकता है, G8 के ऊपर, E8 के ऊपर नहीं जा सकता, F7 पे नहीं जा सकता, E7 पे नहीं जा सकता, और G7 पे नहीं जा सकता क्योंकि पॉन है, हाँ तो स्टेलमेट हो गया। तो उसने किया जबरदस्ती स्टेलमेट सोच सोच के, यह भी है, ओहो ये पहले जैसा रिपीट हो गया गेम शायद, लगता है मुझे रिपीट हो गया गेम। अगला गेम देखते हैं, ये पोजीशन है, हाँ काले के पास सिर्फ क्वीन है, इसके पास एक रूक ज़्यादा है, रूक और क्वीन है इसके पास, पॉन की पोजीशन समान है, तो इसने क्वीन D2 पे लेके चेक दिया, किंग G1 पे लिया, क्वीन C1 पे लिया, अभी ये यहाँ पे भी फोर्क हो गया किंग का और क्वीन का, तो इसको क्वीन को मारना पड़ेगा, इसने मार दिया। अभी काला जो किंग है वो कहीं मूव नहीं कर सकता, और उसको चेक भी नहीं है, सिर्फ किंग नहीं कोई भी नहीं मूव, ये पॉन नहीं मूव कर सकता, A6 का, ये D4 वाला पॉन नहीं मूव कर सकता, ये G5 वाला पॉन नहीं मूव कर सकता, कोई भी मोहरा इसका है जो छोटा बड़ा वो मूव नहीं कर सकता है, तो स्टेलमेट हो गया। ये सातवा गेम है, ये पोजीशन में आया है, थोड़ा इसके पहले पीछे भी जाते हैं, ये पोजीशन में ये गेम आया हुआ है, काले के पास बहुत सारे मोरे, घोड़ा एक ज़्यादा सिर्फ है मेरे ख्याल से, सिर्फ सफ़ेद से, पॉन भी है, पॉन भी सफ़ेद के पास ज़्यादा है, तो इसने क्वीन से पॉन मार दिया G3, हाँ अभी इसे ये समझ में आता है कि ये क्वीन यहाँ G3 पे आई, तो इसका किंग अभी किधर मूव होने रहा है, अभी इसके पास दो मोहरे हैं क्वीन और हाथी जो मूव कर सकते हैं, उनको अगर निकाला जाए तो कोई वो मूव नहीं कर सकता, स्टेलमेट हो जाएगा, तो क्वीन अनसपोर्टेड उसने वहाँ पे लाई थी, तो उसने मार दी, रुक बीच में ले गया अनसपोर्टेड, अभी इसने रुक को मार दिया, तो स्टेलमेट हो गया, क्योंकि सफ़ेद जो किंग है वो हिल ही नहीं सकता है, सफ़ेद का ये पॉन हिल नहीं सकता, 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 मतलब कुछ भी सफ़ेद का हिल नहीं सकता है, हाँ तो ऐसे स्टेलमेट हो गया।
अभी ये पोजीशन में एक गेम आया है। हाँ, इसमें ब्लैक ने पहले A5 पे किंग लिया और वाइट ने क्या किया, किंग क्रॉस पॉन कर दिया C5, स्टेलमेट हो गया, क्योंकि ब्लैक जो किंग है वो कहीं भी जा नहीं सकता है, उसको चेक भी नहीं। ये पॉन भी A6 का पॉन हिल नहीं सकता है, ये B4 का पॉन हिल नहीं सकता है। हाँ, तो कोई भी मूव नहीं ब्लैक कर सकता है यहाँ पे। अभी ये गैरी कास्पारोव सफ़ेद लेके खेल रहे हैं और नील मैकडोनल्ड ब्लैक। हाँ, ब्लैक के पास एक हाथी है, एक पॉन है, क्वीन है, ए पोजीशन में आया हुआ है गेम। किंग H6, बिशप क्रॉस E4, रुक क्रॉस G3 चेक, रुक को खा गया, क्वीन टू E5। इसने सीधा आके रखा कि ये क्वीन को अगर मार देता है इसको तो यहाँ पे स्टेलमेट हो जाता है। मार दिया और स्टेलमेट हो गया, क्योंकि ये किंग अभी कहाँ पे भी हिल नहीं सकता है। हाँ, G6 पे बिशप है, H7 पे बिशप है और G7 पे क्वीन है। हाँ, तो कास्पारोव सफ़ेद खेल रहे थे तो ब्लैक ने ऐसे स्टेलमेट करवाया। ये पोजीशन है। हाँ, यहाँ पे अभी देखिए बिशप क्रॉस E3 पहले तो उसने और रुक को मारने दिया है। हाँ, रुक टू G7, अपने सब मोरे फिनिश करने हैं तो तभी वो स्टेलमेट हो जाएगा ना। मोरे हो गए तो कहीं ना कहीं वो हिल सकते हैं। ऐसे एक सिचुएशन थी कॉम्प्लिकेटेड जहाँ अभी तक वो गेम आया नहीं, कि कुछ नहीं, बहुत सारे मोरे थे, कोई भी हिल नहीं सकता था। ऐसे ऐसी भी एक पोजिशन है। अभी यहाँ पे आया तो अभी सफ़ेद जो है किंग, उसका स्टेलमेट हो गया है। हाँ, उसका नाइट है, वो नाइट हिल नहीं सकता क्योंकि नाइट पिन है किंग के साथ। ये पॉन हिल नहीं सकता है और किंग यहाँ G2 पे नहीं आ सकता है, G1 पे नहीं आ सकता है, तो स्टेलमेट। अभी विश्वनाथन आनंद का गेम है, विश्वनाथन आनंद सफ़ेद खेल रहे और वो अपोनेंट ब्लैक है, एलेक्जी ड्रियू। अभी विश्वनाथ आनंद के दो पॉन है जो बहुत आगे पहुंच गए, मतलब प्रमोट होना चाहते हैं, लेकिन ये बिशप और किंग से उनको अटका हो रहा है और उसके पास दो पॉन है और एक बिशप है। तो आनंद ने G7 खेला है, किंग टू F7, वो क्रॉस कर दिया उसने, अरे ज़्यादा वो मूव हो गया। हाँ, ये यहाँ पे क्रॉस कर दिया, उसके बाद बिशप क्रॉस A7 इसने किया तो ये स्टेलमेट हो गया, क्योंकि किंग यहाँ G2 पे नहीं जा सकता है, G1 पे नहीं जा सकता है, बिशप है ऊपर से। विश्वनाथन आनंद का ट्रेन डिफेंस में हुआ था। और ये अनातोली कारपोव जुड़ी एक पोलकर, दोनों कारपोव भी वर्ल्ड चैंपियन, जुडित पोलकर फीमेल वर्ल्ड चैंपियन थी। देखिए लेकिन कारपोव के पास कितना ये था कि क्वीन है, बिशप है, यहाँ पे एक पॉन है और ये अकेला किंग है और एक यहाँ पे उसका पॉन है। फिर भी जुडित पोलकर ने और अनातोली कारपोव के थोड़े से मिस्टेक ने ये गेम ड्रॉ हो गया। क्वीन टू H4 चेक, किंग E3, क्वीन टू G3, किंग किंग D4 और इसने गलती से ये क्वीन जो है वो यहाँ पे ले ली F3 के ऊपर और ये स्टेलमेट हो गया। किंग कहाँ भी नहीं जा सकता, ब्लैक किंग, सो ब्लैक किंग का स्टेलमेट हो गया। तो इस तरह से 12 गेम लगभग हुए और ये बहुत सारे ऐसे गेम्स मेरे पास है ड्रॉ हुए, तो शायद और एक वीडियो इसका करूँगा तो स्टेलमेट के बारे में आपको काफ़ी जानकारी इससे मिलेगी। धन्यवाद, देखते रहना और सब्सक्राइब करना।